जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के पौधे में बांध देना, ये एक चीज हजार गुना होगी धन में वृद्धि। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा और बताया था यह रहस्य। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे, इसके आपको कई गुणा अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं।
इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है।
दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।